पंजाब के निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का डंका जमकर बजा है। आज घोषित किए गए नतीजों में नगर निगम और नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यहां बाटला, बटिंडा, मोगा, कपूरथला, पठानकोट नगर निगम में जीत हासिल कर ली है। नगर निगमों के अलावा कांग्रेस ने अभी तक 98 म्यूनिसिपल काउंसिल में भी जीत दर्ज कर ली है। इन निकाय चुनाव के नतीजे इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से ही हुई थी। ऐसे में इन्हें कृषि कानूनों पर एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। कांग्रेस नेता मनप्रीत सिंह बादल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि भटिंडा में भी कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। ये करीब 53 साल बाद हुआ है जब भटिंडा में कांग्रेस पार्टी का मेयर बनेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भटिंडा नगर निगम में शिरोमणि अकाली दल का कब्जा था। नगर चुनाव के अलावा नगर पंचायत और अन्य निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है। गुरदासपुर शहर में भी कांग्रेस पार्टी ने सभी वार्डों में जीत हासिल कर ली है। यहां के सभी 29 वार्ड कांग्रेस के खाते में गए हैं। गुरदासपुर से बीजेपी के सनी देओल सांसद हैं। आपको बता दें कि इस बार के नगर निगम चुनाव में किसान आंदोलन ही छाया रहा। केंद्र द्वारा पारित किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। यहां पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का भी जमकर विरोध किया गया था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पंजाब में 14 फरवरी को निकाय चुनाव के लिए वोट डाले गए थे। इस बार करीब 71% मतदान हुआ था। चुनाव में कुल 9,222 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। राज्य में सबसे ज्यादा उम्मीदवार निर्दलियों की ओर से हैं, जबकि राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा उम्मीदवार कांग्रेस के, जिसमें 2037 उतारे थे, जबकि बीजेपी ने 1,003 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पंजाब में साल 2022 में विधानसभा चुनाव भी होना है, ऐसे में इसके नतीजे काफी दिशा तय कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।